वेलकम एवरी वन वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्वेश्चन सेंटर चैनल तो जैसे कि आप सबको पता है कि ऑन गोइंग सीरीज चल रही है जेके के एस एस बी के लिए इसका नाम आश है तो एक अल्टीमेट स्प्रिंट है इसमें हम मोस्टली टच करने वाले हैं थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जिसमें जेके के एस एस बी और एफ़ ए का पोर्शन है और एफ ए के अलावा इसमें हम वी एल डब्ल्यू होगा या पटवारी है या स्टॉक असिस्टेंट या जो फॉरेस्ट का गार्ड है उसमें जो साइंस का पोर्शन कंप्यूटर का पोर्शन है वो टच करने वाले हैं तो मेनली इसमें फोकस हमारा जो है वो जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस का है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंसी डिजीज के बारे में तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ तो पहला क्वेश्चन है इकोलॉजी डील्स विद द इकोलॉजी किसके साथ डील करता है बायोटिक फैक्टर्स के साथ बायोटिक फैक्टर्स कौन होते हैं जिनको लाइफ होती है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन होते हैं जो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग में कौन से आते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉयल है वाटर हैं क्लाइमेट हैं ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं तो इकोलॉजी हम किसे कहते हैं ये वो स्टडी है जिसमें हम दोनों पढ़ते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड बी तो दूसरा क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम एट तो अगर हम बात करें सेल की तो सेल को हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी टिश्यूज को हम कहां पर पढ़ते हैं इसी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं कम्युनिटी लेवल पे हम पढ़ते हैं इसको हम इकोलॉजी कहते हैं जैसे कि आपने पहले ऊपर क्वेश्चन में देखा तो इकोलॉजी में कम्युनिटी भी आती है नाउ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इज़ नोन एज तो पहला ऑप्शन जो है वो बायो जियोग्राफी है इसमें हम किसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बायो की बायो मीन लाइफ तो जो वो प्लांट लाइफ किन में होती है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में तो जू जियोग्राफी मेनली फोकस करता है किन पे एनिमल्स पे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी जू जियोग्राफी नाउ यूनिसेदर प्लाज्मोडियम इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो इसमें जानना है कि प्लाज्मोडियम है क्या प्लाज्मोडियम जो यूनिशर है तो मोस्टली क्या है ये एक पैरासाइट है तो पैरासाइट्स को हम कहाँ पढ़ते हैं नाम के रिलेटेड जो होगा पैरास्टोलॉजी सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल की माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं माइक्रोब्स जितने भी हैं चाहे वो यूजफुल है हमारे लिए या हमारे लिए नुकसानदेह है पैरासाइट्स हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं और पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं ह्यूमन डिजीज जो होती हैं ये मेडिकल साइंस के रिलेटेड है स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशन इज कॉल्ड तो ओशन्स को हम अगर देखेंगे तो इसके स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी और जो भी ओशन्स में रहती हैं उनको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं और मैरीन एक्वेटिक लाइफ कहते हैं तो ओशन के रिलेटेड कौन सा आता है इसमें से मैरीन बायोलॉजी जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सी बायोलॉजी भी है ओशनोग्राफी भी है ओशन इकोलॉजी भी है पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैरीन बायोलॉजी इंसुलेशन प्रिपरेशन कॉमर्स अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इंसुलिन जो है वो किस में हम प्रिपेयर करते हैं एक तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है पेनक्रिया से पर जिसको आप डायबिटीज हुई है ये हम किसके लिए प्रपेयर करते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स तो ये इंसुलिन बनाते कैसे हैं इसकी एक ब्रांच जो है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम हम जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन होगा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए का एक टुकड़ा होगा जिसे हम जीन कहते हैं उससे हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी जीन को हम मैनिपुलेट करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं इस जीन के ऊपर इसलिए हम इसे करते हैं. इसका जो है, वो भी आ सकता है, पर पर है करेक्ट ऑप्शन तो जो है वो सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग वट इज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवल ऑफ स्टडी फ्रॉम टू लार्जर आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल से क्या बनता है टिश्यू टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल इंडिविजुअल जब एक ही स्पीशीज के बहुत मिलते हैं तो बनाते हैं एक पॉपुलेशन या जिसे हम स्पीशीज भी कहते हैं तो वो पॉपुलेशन फिर क्या बनाती है एक कम्युनिटी बनाती है तो यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है आप इस हर को फॉलो कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है सी इंडिविजुअल स्पीशीज पॉपुलेशन और कम्युनिटी द टर्म डिस्कवर्ड बाय अब इसका कोई कंसेप्ट नहीं तो यह मारना होगा रट्टा एडवर्ड जिनर इस पॉस्टर ने क्या डिस्कवर किया था पॉस्टुराइजेशन ऑफ मिल्क बायोपेस्टिस और क्रॉप एक प्लांट एक खुद डिजीज के खिलाफ लड़ेगा उसे हमें बाहर से कोई केमिकल देने की जरूरत नहीं है तो ये क्या है दे के नॉट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दम क्यों क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं इसलिए हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट बनाते हैं हमें जनरली केमिकल जब हम जो स्प्रे करते हैं तो ये जनरल पर्पज के लिए होते हैं हम हर एक ऑर्गेनिज्म इसमें मारते हैं पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए होगा बायोपेस्टिसाइड इसलिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा दे आर चीपर चीपर क्या होता है सस्ता होता है नॉन पोल्यूटेंट होता है जैसे कि हम फर्टिलाईजर्स देखते हैं केमिकल फर्टिलाईजर दे, देखते हैं डी या ऑयल हम लगाते हैं अपने ट्रीज के ऊपर या कोई भी लगाते हैं तो अल्टीमेटली ये जो है ये एनवायरमेंट को हमारे पोल्यूट करता है बर्ड्स मरते हैं पानी में चला जाता है ये फर्टीजर्स तो पोल्यूशन होता है तो बायोपेस्टिस इसके हिसाब से नॉन पोल्यूटेंट है तो करेक्ट ऑप्शन ये तीनों है इसमें से तो ऑल ऑफ क्लोनिंग श्योरली दूसरी में क्या होगा क्लोन हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी डॉली शीप जो थी इसका एक क्लोन प्रोड्यूस किया गया यानी इसका ही बच्चा प्रोड्यूस किया गया जो इसी के हुआ मिलता था इसका जीन भी डीएनए भी एक जैसा था इसका फिनोटाइप जो शक्ल थी इसकी फिनोटाइप हम कैसे कहते हैं जीनोटाइप हम कहते हैं जीनस जो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बींग है मैं हूं मुझ में जितना भी जीनस होंगे उनको हम जीनोटाइप कहते हैं Phenotype क्या हैं ये जो मेरे इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया हुआ है मेरी बॉडी कैसी है मेरा फिजोलॉजी तो किसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं जीनस जितने भी स्पीशीज में पाए जाते हैं तो क्लोन में सारा कुछ है जीनोटाइप भी सेम है जीनोम भी सेम है फिनोटाइप भी सेम है तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द the mechanism by which organism maintain the stability of their cellular environment is known as एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दूसरा होता है सेलुलर एनवायरनमेंट यानी जो इतने सेल के अंदर जो भी एनवायरनमेंट है जितना भी माहौल है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं उसको हम स्टेबल कैसे करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। दूसरा है एडॉप्टेशन एडॉप्टेशन हम किसे कहते हैं हम अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं कैसे सरवाइव करते हैं हम अपने एनवायरमेंट मेंटेन का मतलब सरवाइव भी होता है इन द एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हिसाब से क्योंकि क्लाइमेट हमारा एनवायरमेंट है इसमें हम कैसे सरवाइव करते हैं उसे अडॉप्टेशन कहते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल मीडियम द सेल इज कॉल्ड एक होता है हाइपरटोनिक जिसमें क्या होता है बाहर जो कंसंट्रेशन साल्ट की है वो ज्यादा है तो पानी कहां से कहां चला जाएगा सेल से बाहर चला सेल से बाहर चला जाएगा इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक दूसरा होता है हाइपोटॉनिक पानी बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक तो इस हाइपोटोनिक में सेल को क्या होगा इसको इस सेल जो है ये वरिष्ठ हो जाएगी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा तो सेल जो है वो फट जाएगी हाइपरटोनिक में क्या होगा पानी जो है वो श्रिंक हो जाएगी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। और आइसोटॉनिक का मतलब क्या है सेल जो है वो नॉर्मल है इसको हम कहते हैं आइसोटॉनिक तो जब कंसेंट्रेशन बाहर भी उतना ही होगा जितना अंदर कंसेंट्रेशन है वाटर का या किसी भी सल्यूट का तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं ब्रेसिका एंड रोज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ तो हाइड्रोफाइट्स हम उन्हें कहते हैं जो वाटर में रहते हैं जैसे कि लोटस मीजोफाइट वो होते हैं जो मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में रहते हैं एग्जांपल क्या है रोज एंड ब्रेसिका जीरोस कौन से होते हैं जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं और कौन से होते हैं ये वो ड्राई कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स हैं जो अपने अंदर जो है वो वाटर स्टोर करते हैं तभी ये जिंदा रह पाते हैं

99 तक के वाटर अपने आप को लूज करते हैं तो जब वाटर लूज हो जाता है बॉडी से तो उसे हम क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑसमो उन्हें हम कहते हैं जो अपने सेल को होम्योसटैसिस में रखते हैं यानी अपने अंदर जितना भी सॉल्ट कंसन्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट बदलते नहीं है ये कॉन्स्टेंट रखते हैं एनवायरमेंट में जितना भी साल्ट कंसन्ट्रेशन हो पर ये अंदर के साल्ट कॉन्सनट्रेशन को कॉन्सटेंट रखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन यही है ये अपने आप को बदलते नहीं है एनवायरमेंट के साथ तो थर्मोरोगेशन क्या होता है ये के है, तो सॉल्ट का ही हो गया कौन है? ही वो हैं जो अपने साल्ट को रखते हैं जितने भी एनवायरमेंटल सॉल्ट कंसेंट्रेशन होंगे ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सरवाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर तो इसमें से कौन से एग्जांपल आएंगी कंगारो रैट ये डेजर्ट में पाया जाता है क्यों ये रेड फिर पानी कहां से लाता है अगर हम रेस्परेशन की बात करें रेस्परेशन में क्या होता है जो भी ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके हम ऑक्सीजन दे हम क्या करते हैं इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं वाटर में चेंज करते हैं और एनर्जी में चेंज करते हैं तो ये वाटर कहां से लाते हैं रेस्पिरेशन से मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट सर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे तो यहां से क्या बनता है यहाँ से ग्लूकोज बनता है इंजेक्शन क्या होता है फूड को खाना एजुमिलेशन क्या क्या होता है यूज ऑफ फूड तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बचा डेमाइनेशन डेमाइनेशन क्या होता है जब हम एमिनो एसिड से अमोनिया को या नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं उसे हम डेमाइनेशन कहते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल है डेमाइनेशन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जब भी हम प्रोटीन खाते हैं उसको इसी तरह ब्रेक डाउन किया जाता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन एक्सेस वाटर बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड उसको हम कहते हैं वैक्यूल। जैसे आपने देखा होगा अमीबा में फूड वैक्यूल होता है इसी तरह प्रोटोजोन में क्या होता है कॉन्ट्रैक्टायल वैक्यूल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर बाहर क्या निकालता है वाटर तो इस वैक्यूल का काम ही होता है वाटर स्टोरेज The term ग्लाइकोजेनेसिस means the conversion of. ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है ग्लाइकोजन का बनना तो ग्लाइकोजन कहाँ से बनता है जब ग्लूकोज को ट्रांसफर किया जाता है ग्लाइकोजन में यानी स्टोर किया जाता है ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन Which of the following nitrogenous compound is much more soluble in water? इसकी एग्जाम्पल कौन सी है अमोनिया जितने भी हैं वो अमोनिया को ही एक्सक्रिएट करते हैं जो मीडियम एनवायरनमेंट में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैन ये क्या सक्रिएट करते हैं यूरिया क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट अमोनिया कितना वाटर चाहिए हमें ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम एल एक ग्राम के लिए हमें चाहिए तो यूरिक एसिड कहां पर बनता है यूरिक एसिड पैलेट्स के तौर पर जो भी है इनका वो बनता है स्मॉल पैलेट्स के तौर पर ये बनते हैं उन एनिमल्स में जो पानी इस्तेमाल करते ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अभी कंगारो रैट रिमूवल ऑफ एमेनो ग्रुप फ्रॉम एमानो एसिड इज कॉल्ड एमाइनो ग्रुप से एमाइनो ग्रुप को एमाइनो एसिड से निकालना अगर आप एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसको यहाँ पर होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमाइनो ग्रुप तो इस एमाइनो ग्रुप को रिमूव करने को हम डीएमाइनेशन कहते हैं ट्रांस एमाइनेशन किसे हम कहते हैं अगर ये एक एमाइनो एसिड है इसको हम दूसरे एमाइनो एसिड पे ट्रांसफर करेंगे इस एमाइनो ग्रुप को उसे हम ट्रांस कहते हैं ट्रांसलोकेशन क्या है ये है फूड को क्या करना कैरी करना तो अदर पार्ट सब्जी बॉडी इन प्लांट्स और ट्रांसपोजिशन क्या है ये जीन्स की मूवमेंट है एक जीन को दूसरे क्रोमोजोम पे ट्रांसफर करना उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 2 ग्रामस ऑफ अमोनिया इज इसका 1000 ml है क्यों एक ग्राम अमोनिया के लिए हमें चाहिए 350 फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड तो दो ग्राम के लिए तो थाउजेंड चाहिए इसी तरह अगर यूरिया हमें एक्सक्रीट करना होगा तो उसके लिए हमें 50 एम की ज़रूरत होती है और यूरिक एसिड के लिए लेस देन 10 एम की जरूरत होती है इन फ्लैट फ्लैटवर्मस एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्सिटेस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ क्लोज टिब्यूल एनी इंटरनल ओपनिंग्स उनको हम क्या कहते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया अगर हम नेफ्रिडिया की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं अर्थ वर्म्स में जो किस क्लास की जो किसको बिलोंग करते हैं एनालिड्स को इसी तरह मेटानेफ्रिडिया है नेफ्रोस्टोम क्या है ये ट्यूब है किसका नेफ्रिडिया का जो सीलोम में पाया जाता है इन ऑफ अर्थ तो वर्म्स या एनालिड्स तो इसी तरह मेटानेफ्रिडिया कहाँ पर पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स अकॉर्डिंग टू द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टाइल बर्डाम्पल ऑफ जितने भी रेपटाइल हैं बर्ड्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं यूरिकोटलिक यानी येट यूरिक, करती है अमोनियोटलिक है नहीं अमोनियोटलिक हैं ये कौन से वाले हैं एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं और यूरियालिक किसको एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन नीडिया आपने देखा किसमें पाया जाता है और फर्मज में और नेफ्रॉन टिब्यूल का एक पार्ट है नेफ्रॉन अगर हम ये नेफ्रॉन देखें तो इसको ये है यहां पर बोमनस कैप्सूल इसमें होता है हम कहते हैं ग्लोमेरुलस तो ये है इसका ट्यूब कोलेक्टिंग टिब्यूल ये यहां से बनाता है ये कोलेक्टिंग टिब्यूल ये है हेनलीज लूप और फिर ये ज्वाइन होता है डक्ट के साथ एंड ऑफ हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट क्या है? बिलीरुबिन जैसे कि अपने जेंडिस में देखा होगा बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा होती है ब्लड में तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है बिलीरुबिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन बदल लिवर एक्सेप्ट दैट बोलते हैं कि इसमें से जितने भी हैं ये सारे जो है ये प्रोटीन लिवर ने बनाए हैं क्या है ये है. तो इसमें से एल्ब्यूमिन ये भी प्रोटीन है प्रोटोथ्रॉमिन भी प्रोटीन है फाइब्रोनोजन भी प्रोटीन है तो ग्लाइकोजन भी जो है इसको सिंथेसाइज करने वाला लिवर ही है पर ये ऑप्शन क्यों नहीं है ये ऑप्शन एक्सेप्ट यही क्यों है एक्सेप्शन यही क्यों है क्योंकि ये प्रोटीन नहीं है ये कार्बोहाइड्रेट है कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोनियोजनिस का मतलब क्या है ग्लूकोज बनना कहा से बनता है वो एमानो एसिड से जब ग्लूकोज बनता है उसको हम ग्लुकोनियोजेसिस बोलते हैं ग्लूकोज को अगर हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करिए तो क्या होता है ग्लाइको जेनेसिस ग्लूकोज ग्लूकोज को लैक्टिक को एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करना ये कौन सी रेस्पेरेशन का पार्ट है लिवर स्टोर द विटाम ए ई के विच आर मेनली तो ये याद रखना है ई के e, फैट सॉल्युबल है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें आते हैं बी वन टू बी ट्वेल्व जितने भी आते हैं और सी क्या है ये वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी एंड सी आर मेनली वाटर सॉल्युबल एज ह्यूमन किडनीस वन परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट तो अगर हमारी टोटल बॉडी वेट फॉर एग्जाम्पल है हंड्रेड परसेंट तो इसमें से वन परसेंट से भी कम है किडनीज का वैल्यू पर ईच कार्डिक सर्कल के दौरान क्या होता है कार्डिक सर्कल कौन सा होता है जब ब्लड को ब्लड के अंदर खून जब हार्ट के अंदर खून जाता है और हार्ट जो है वो खून को पंप करता है तो उसके दौरान क्या होता है जो किडनी कितना परसेंटेज जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो किडनी है ये ब्लड को रिसीव करता है और इस ट्वेंटी फाइव परसेंट में ट्वेंटी परसेंट जो है ये वापस चला जाता है किडनीज में साफ हो फिर बाकी जो है वो एक्सक्रीट होता है क्रेटिनिन इज प्रोड्यूस्ड इन कहाँ पर बनता है ये मसल्स में ये मेटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल है लिवर में क्या बनता है ग्लाइकोजन और प्लाज्मा प्रोटीन और किडनीज में क्या बनता है एक्सक्रीशन होती है यूरिया की और साथ साथ की भी ब्लड में क्या होता है ब्लड में करेटिन होता है जो फिल्टर किया जाता है इन किडनी यूरिन भी फिल्ट्रेशन की जाती है यूरिन कहाँ पर होते हैं ब्लड में ही होते हैं तो इस ब्लड से ही साफ किया जाता है यूरिन को यूरिया को ऑल आर रिलेटेड टू द यूरिया साइकिल एक्सेप्ट यूरिया साइकिल में कौन कौन से इन्वाल्व हैं इसमें से साइट्रोलिन भी है आर्नीथिन भी है आर्जन भी है ये यूरिया साइकिल में बनते हैं ये यूरिया साइकिल के क्या है इंटरमीडिएट्स हैं यानी ये इस रिएक्शन में बनते यूरिया साइकिल में जितने भी रिएक्शन होते हैं इसमें से स्टेप बाय स्टेप वाइज ये बनते हैं सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं बनता है तो ये किसकी एग्जाम्पल है क्रिएटिनिन राटिनियन मेटाबॉलिज्म की जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया जो मसल्स में होती है यूरिया लीव द किडनी थ्रू ये सोचने वाली बात है किडनी से अगर यूरिया निकले तो कहां से निकलता है यूरिटर से फिर जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में फिर बाहर निकलते हैं बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू जो हमारे पेनस में होता है ये ये कहां पर पाया जाता है पेनस में तो यूरिया कहा से बाहर निकलता है बॉडी में से यूरिथ्रा से और किडनीज में से से बाहर निकलते हैं यूरिटर्स से यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस इन द लिवर नोन एज इसको हम क्या कहते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल हम इसे कहते हैं क्योंकि ऑर्निथिन जो है इसमें मेन इंटरमीडिएट है इन मैन द एक्सपलशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिथराइज नोन एज मिक्चुरेशन तो मिक्चुरेशन क्या है ये यूरिनेशन है जो ह्यूमनज में होती है तो so, यूरिनेशन का आप समझ सकते हैं कि एक जनरल प्रोसेस है और मिक्चुरेशन जो स्पेसिफिकली हमारी बॉडी में होता है फिल्ट्रेशन क्या है फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड से जो भी यूरिन है उसे हम फिल्टर करते हैं किडनीज में उसे हम बाहर निकालते हैं हमारे ब्लड को हम फिल्टर करते हैं साफ़ करते हैं यूरिया से

द इनर लेयर ऑफ द वोमन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ अनयूजुअल सेल्स उन्हें हम कहते क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं अगर हम वोमन कैप्सूल की शेप देखें तो उसमें से ऐसे ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो अमीबा के स्यूडोपोडिया की तरह दिखते हैं उन्हें हम पोडोसाइटस कहते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो ये बनाता है इसका ये बनता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन एलोंगेटेड सेल्स सीलिएटेड सेल्स कैसी होती है सीलिया की तरह ऐसे वॉल्स की तरह ब्लड प्रेशर इन किडनीज इज हायर देन दैट इन द अदर ऑर्गन्स क्यों किडनी में प्रेशर क्यों ज्यादा होता है क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियोल है एफरेंट आर्टेरियोल कौन सी है जो ब्लड लाती है टू वॉर्स किडनी जो किडनी की तरह किडनी की तरफ खून को लाती है उसे हम एफरेंट है, कहते हैं कहते हैं और जो ईफरेंट कौन सी है जो किडनी से बाहर निकालती है जब एफरेंट कौन सी है? जब एक पाइप में से फॉर एग्जांपल एक वाटर पाइप है एक लंबी वाली जो मेन सड़क पे चलती है इसमें पानी इसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है और जो घरों में जाती है इससे पाइप वो बहुत स्मॉल होती है तो एक एफरेंट आर्ट्रियोल जो किडनी में जाती है उसका डायमीटर ज्यादा होता है देन एफरेंट दे आर्ट्रियोल इसलिए प्रेशर जो है वो ज्यादा बनता है किडनीज में मैरीन सच एज वेल मैरीन कौन सी होती है जो ओशन में पाई जाती है वेल एक एग्जाम्पल है इसकी ये मैमल है ये बच्चों को पैदा करती है बेबीज इसकी बॉडी में जो है वो एक इंसुलेटिंग फैट लेयर है इसके बॉडी के अंदर उसे हम ब्लबर कहते हैं तो इस ब्लबर की सारे वैल्यूज है ये एडॉप्टेशन के लिए यानी इसको एनवायरमेंट में सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी होती है उसके क्या प्रॉपर्टीज है ब्लबर के फैट का अगर आप देखेंगे फैट वन ग्राम ऑफ फैट देता है नाइन पॉइंट थ्री कैलोरीज ऑफ एनर्जी इसी तरह फैट जो है ये इंसुलेटर है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है या इसी तरह हीट को बाहर जाने नहीं देता है तो इसके इसमें से कौन से प्रॉपर्टीज है फैट की वो देखने हैं पर हमें ऑप्शन किसको लगाना है जो फैट की प्रॉपर्टी इसमें से है नहीं बिकॉज इट इज इन सीधी सी एनर्जी तो है, है ये, ये स्टोर तो करता ही है फैट तो है कि मैंने आपको बोला फैट नाइन पॉइंट थ्री कैलोरीज देता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोर पॉइंट टू ही देता है तो फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी देता है तो गलत ऑप्शन यही है तो

वो मेंटेन करते हैं जैसे कि आप ह्यूमन में देख सकते हो फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरमेंट में टेम्परेचर जितना भी हो हमारा जिसम जो है वो थर्टी सेवन डिग्री पे ही रहता है हमेशा अगर समर होगा तो हम स्वेट के थ्रू अपना जो है हीट लॉस करते हैं और अगर गर्मी है तो हम एनर्जी ज्यादा खाते हैं हमारा जो फैट है ये हमें गर्म रखता है तो इसे कहते हैं हम बॉडी को मेंटेन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना से कहते हैं, ये, है। ये उन्हीं में होता है जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं एंडोथर्मस तो किस तरह हम होम्योथर्मिज अब कैसे अडॉप्ट करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज कौन सी है जो इसे बचाती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करवाती है वाटर का हाई हीट वेपराइजेशन कैसे जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसको हीट होने में बहुत टाइम लगता है या ये अपने अंदर बहुत हीट ही है, है इसी तरह जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग में क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ क्या ले जाएगा एनर्जी ले जाएगा तो हमारी बॉडी जो है कूल cool हो जाती है इसी तरह वाटर को कूल cool होने में भी टाइम लगता है यही प्रॉपर्टी है जो इससे क्या बनाती है होम्योथर्मस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाती है के लिए. An वो होते हैं जो अपनी हीट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स और ह्यूम या जितने भी मैमल्स हैं वो ये सब दिखाते हैं हम्मिंगबर्ड और बैट जो यूजुअली है वो एक्टोथर्मस है या आप कह सकते हैं वो एक्टोथर्मस और एंडोथर्मस के बीच में कभी ये एक्टोथर्म बनते हैं कभी ये एंडोथर्म बनते हैं तो फिश जो है वो एक्टोथर्मस है एक्टोथर्मस कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए जो अपनी बॉडी में जो हीट जो है वो इन्हें एनवायरनमेंट से मिलती है जितना एनवायरनमेंट में हीट होगा उन्हें उतनी ही हीट मिलती है

ये कैसे करता है ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है ये सेट पॉइंट्स रखता है हमारे जिस्म में ये कुछ पॉइंट्स रखता है कि इस टेम्परेचर रेंज के आगे बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो ये इन्हें हम सेट पॉइंट्स कहते हैं कोई एक टेम्परेचर रेंज रखता है ये जो बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने वाला है वो हंगर है हमारी ये हमारी हंगर को भी मेंटेन करता है हमारी सेक्स ड्राइव को भी रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर और स्लीप को भी ये रेगुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ रेअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ मेटीरियल फ्रॉम ये कौन सी मूवमेंट है रेअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है ये हमारे किडनीज में होता है फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इसे हम कहते हैं टिब्यूलर रेअब्जॉर्प्शन यानी टिब्यूल से रेअब्जॉर्ब होता है तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है ये फिल्ट्रेट से होता है फिल्ट्रेट कौन सा होता है जो हमारा ब्लड है।, तो 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 है वो 180 लीटर जो है, फिल्ट्रेट। में जो उसको मिलता इसमें से वो वापस क्या होता है रेबर्ब होता है किडनीज में से और 1.5 लीटर सिर्फ बनता है यूरिन जो एक्सक्रीट होता है तो यहाँ पर दिखेगा नहीं ये 1.5 लीटर क्या बनता है? बनता है 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 यूरिन इस फिल्ट्रेट से जो एक्सक्रीट होता किडनीज के थ्रू का 99 180 में से सारा होता है के जो में होता है वोमुलरस फिल्ट्रेट या इसके इर्द गिर्देरीज होती है इनमें से वो क्या होता है, में से होता है। तो फिल्टरेट ब्लड कैप्लरीज Which the the set point of hypothalamus. तो हाइपोथल जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता टेम्परेचर के कुछ पॉइंट्स रखते हैं कि इस टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर है ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है उसमें तो हम पायरोजनस कहते हैं जैसे हम एक फीवर जिसको होता है उसको हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स कौन से हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और एंटीबॉडीज कौन से होते हैं ये हमारी ब्लड में पाए जाते हैं सिरम में बनते हैं phorean, जो भी फॉरियन माइक्रोब्स होंगे लाइक like बैक्टीरिया और ये फॉरिन माइक्रोब्स हो बैक्टीरिया हो वायरस हो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन किसकी बनी हुई होते हैं कैल्शियम की द नाइट्रोजन एस एक्सक्रीटरी कंपाउंड फॉर्म इन दर्थ करती है नेफ्रीडिया से और ये कौन करती है बोथ अमोनिया और यूरिया क्या आपने देखा होगा अर्थवर्म जो कहां पर रहती है मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहती है पानी में भी रहती है और खुशकी में भी थोड़ी बहुत रहती है तो इसलिए ये यूरिया भी और अमोनिया भी एक्सक्रीट करती है अमीबा में फूड कहां पर डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में अमीबा में ये क्या है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट है। सॉरी तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनलिज है वो नहीं है सुडोपोडिया कौन सा है ये वाला पार्ट इसका सुडोपोडिया है इन विच आर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्गनिज्म फूड मेटीरियल वो कौन से हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, like fungus, mold, ये क्या दिखाते हैं मोड ऑफ रेस्परेशन दिखाते हैं अमीबा प्लांट मशरूम ये तो आएगा नहीं इसमें से ग्रीन प्लांट जो हैं ये फोटोसिंथेटिक है

वुमेन को ज्यादातर आपने देखा होगा फोलिक एसिड देते हैं था को हम क्या कहते हैं विटामिन बी वन विटामिन सी एसिड, ई टोकोफेरॉल नाउ फॉलोइंग फूड हैज़ विच आर दूड ऑफ़ विटामिन सी विटामिन सी जो है इनमें से सब में पाया जाता है तो इसमें से जो एग्जांपल है वो ब्लैक करंट्स है तो इसके अलावा अगर कुछ आ सकता है तो आमला करेक्ट ऑप्शन होगा विच ऑफ जो फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इसका एग्जांपल जो है वो विटामिन के हैं। ये हमारी गट में प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया विटामिन ए फैट सॉल्वल सी वाटर सॉल्वल डी ई e और के फैट सॉल्वल होते हैं इसी तरह हम पढ़ेंगे विटामिन ए को हम क्या कहते हैं सॉरी विटामिन ए को हम कहते हैं रिटेनॉल विटामिन बी बी वन बी वन को हम कहते हैं थाइमिन विटामिन बी टू को हम क्या कहते हैं राइबोफ्लेविन विटामिन बी थ्री को हम क्या कहते हैं नियासिन विटामिन बी फाइव को हम क्या कहते हैं पेंटोथिनिक एसिड इसी तरह हैं विटामिन बी सिक्स उसको हम क्या कहते हैं पायरेडोक्सिन विटामिन बी सेवन बायोटीन बी टेन या बी अलेवन फोलिक एसिड कभी कभी बी अलेवन भी होता है तो बी ट्वेल्व को हम क्या कहते हैं कोबाल्ट अमीन विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड डी को हम कहते हैं कैलसीफर और विटामिन के फाइलो कोइनोन तो विटामिन के जो है ये इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए विच आर दीड का ब्लाइंड है विटामिन बी टू की वजह से स्किन में जो क्रैक्स पड़ते हैं वो होता है इसी तरह विटामिन बी सिक्स विटामिन कहा गया है विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स से कौन सी डिजीज होती है एनीमिया और विटामिन बी ट्वेल्व इससे कौन सी डिजीज होती है इससे होते हैं परनीशस एनीमिया विच ऑफ दिन फंक्शन हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट वो रेटिनॉल है

खुद प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द हम कहते हैं और में किसकी डिफिशंसी से होता है विटामिन बी टिशंसी से फॉलोइंग विटामिन हार्मोन प्रकर्सर जो तो हार्मोन्स में होता है वो कौन सा है विटामिन डी कौन सा हार्मोन कई प्रकर्सर होते हैं इसलिए हम इसे कहते भी हैं ऑर्गो

राइबो फ्लेवन विटामिन बी सिक्स को हम क्या कहते हैं पायरेडॉक्सिन विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलो सपोज एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है और विटामिन जितने भी हैं मोस्टली वो क्या है वो नॉन ओके वो सॉरी वो, वो एसेंशियल है ये हमारी बॉडी में पैदा नहीं होती इसलिए हमें यह खाने जरूरी होती है इट कैन बी सिंथेड इन द बॉडी तो विटामिन जितने भी हैं वो क्या है वो एसेंशियल है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका तो एनिमे की, की प्रॉपर्टी नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यही है फॉलोइंग विटामिन कोएंजाइम फंक्शन कोएंजाइम में ए भी पाए जाते हैं सी बी और बी बी फॉलोइंग वाटर सोलबल विटामिन वाटर सोलबल विटामिन से कौन से होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में जितना भी आता हैिटी ऑफ रेड ब्लड से ये विटामिन ई e की वजह से होता है और विटामिन ई e को हम क्या कहते हैं टोको फिर बहुत ही इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी की डिफिशंसी से क्या होता है रिकेट्स और सी से क्या होता है स्कर्वी और ए से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस विच एम टू फॉलोइंग साइंटिफिक नेम ऑफ के फाइलोक्विनोन या फाइटानो डायोन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है टोकोफेरॉल ई e का है फर्टिन पेंटोसिनिक एसिड पी फाइव का है व्हिच इज द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड बॉडी वेट वो कौन सा है आयोडीन और आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है गोइटर होता है थायराइड प्रॉब्लम होती है इसी तरह कैल्शियम है ये मेटाबॉलिज्म में बहुत जरूरी है मसल्स के लिए बहुत जरूरी है

किडनी स्टोन तो मिनी मार्टर डिजीज्ड फिश जिसमें मरकरी होगा तो मरकरी एक मेटल है लिक्विड मेटल है जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है मिनी मार्टर डिजीज सो so, ये सब आज के लिए था तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुँचाइए थैंक यू